दोस्तों, एक न्यू वीडियो में स्वागत है। और हम बात करते हैं शक्ति अरोड़ा गुम है किसी के प्यार में। तो बीते दिनों उनकी एंट्री को लेकर कई सारी खबरें आ रही है, बट उनमें से अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। एंड अभी एक न्यू न्यूज़ चल रही है उनका इंटरव्यू के बारे में, और उन्होंने अपनी एंट्री को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि प्रोडक्शन हाउस ने अभी भी उनको नहीं बुलाया है, ना ही कोई कॉल किया है। और उन्होंने कहा है कि जब किसी शो में लीप आता है तो पूरे स्टार कास्ट जो है वो चेंज होता हो जाती है। एंड इसी बीच एंट्री पुराने कास्ट को लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो एक तरफ से अगर देखा जाए तो राइटर के हाथ में सब कुछ होता है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो अनुपमा भी आप देख रहे हो, क्या अनुज जो है 5 साल बाद लौट आए हैं एंड किस लुक में वो नजर आए। तो अगर राइटर चाहे मेकर्स चाहे तो वो वापस ला भी सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। पर फिलहाल शक्ति अरोड़ा को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। शो में जो स्टोरी चल रही है उसमें सभी को बहुत बुरा दिखाया जा रहा है रजत को अच्छा दिखाने के लिए, और इसी वजह फैंस का जो गुस्सा है वो बहुत टूट रहा है मेकर्स पर। वो चाहते हैं कि सभी का कैरेक्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जाए पहले की तरह, जैसे